मुंबई में रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले आए तो लग सकता है लॉकडाउन, मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने दिए संकेत। राज्य में लगातार बढ़ रही है कोरोना मामलों की संख्या, 100% प्रतिबंध लगाने की पड़ सकती है जरूरत, राहत एवं पुनर्वसन मंत्री विजय वडेतीवार ने दिए संकेत। मुंबई लोकल को लेकर अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, अगर मामले बढ़े तो शासन स्तर पर लोकल को लेकर फैसला किया जाएगा, मनपा के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी का बयान। शिवसेना के 3 नेता हुए कोरोना का शिकार, मंत्री एकनाथ शिंदे, उदय सामंत और वरुण सरदेसाई की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पर फिर मंडराया कोरोना का खतरा, शिव तीर्थ में काम करने वाले कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। स्कूलों के बाद कॉलेजों को भी बंद करने का लिया जा सकता है निर्णय, उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत अधिकारियों के साथ ले रहे हैं बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया नियम, 50% कर्मचारी दफ्तर से और 50% कर्मचारी को घर से काम करने के आदेश। मुंबई में बिल्डिंग सील करने को लेकर नए नियम हुए जारी, बिल्डिंग में 1 कोरोना मरीज मिलने पर फ्लोर और 10 से ज्यादा मरीज मिलने पर बिल्डिंग को किया जाएगा सील। भारत में तीसरी लहर दे चुकी है दस्तक, देश के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख एनके अरोरा ने दी जानकारी। मरीन ड्राइव स्थित प्रिंसेस स्टेट फ्लाईओवर को 2 महीने के लिए किया जाएगा बंद, दुरुस्तीकरण के लिए फ्लाईओवर को 28 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय।